वरहमतुल्लाहि वबरकातु। ताहिर शेख, सीईओ ऑफ ताहिर रियल एस्टेट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। मैं अब बताओ, हम धक्के खा खा के थक गए। उधर पेड़ हैं तो क्या वो फाइल मंसूख हो गई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जबरी तौर पे हम लोगों के प्लॉट्स को कैंसिलेशन में डाल दिया। इससे हमारे बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे, तकरीबन 2006 के अंदर ये बुकिंग हुई थी। 2006 के बाद डेवलपमेंट का काम इतना स्लो और कम था कि लोगों ने मायूस होने के बाद उन्होंने अपनी पेमेंट ही नहीं भरी। प्लॉटों को जो कैंसिल किया है उसको रुकवाने के लिए हम एहतियात करने आए हैं कि ताकि वो गरीब आवाम के जो उन्होंने प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं, जिसमें से बहुत से सेक्टर्स पे कब्जा भी हुआ है, अगर लोगों को ये अलर्ट करना चाहते हैं तो भाई इस कैंसिलेशन को हम खत्म कराने के लिए यहाँ पे, और ये इसका जो एमडीए जो ज्यादतियां कर रही है इसके लिए हम लोग एहतियात के लिए खड़े हुए हैं। इसके लिए जो है ना, हम सबसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। ताहिर शेख, सीईओ ऑफ ताहिर रियल एस्टेट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, और बाकी हमारे साथ एक कंज्यूमर न्यूज़ से आमिर बाबा भी मौजूद हैं और ये भी वेट कर रहे हैं, और तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है जल्द अज जल्द सब पहुँचें और इस एहतजाज को यकीनी बनाएं। जज़ाकअल्लाह। आमिर भाई, आप पहुँच गए माशाल्लाह से। जी, कंज्यूमर पाकिस्तान की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है कवरेज करने के लिए। आपकी आमद का इंतजार है, कैमरा मैन हमारे साथ मौजूद है। एहतजाज को यकीनी बनाएं। जज़ाकअल्लाह। ये हम कराची प्रेस क्लब पे आ चुके हैं। चला कला, बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है चलो चलाएं। और अच्छा, एक एमडीए ने जबरी तौर पे हम लोगों के प्लॉट्स को कैंसिलेशन में डाल दिया। इससे हमारे बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे, तकरीबन 2006 के अंदर ये बुकिंग हुई थी। 2006 के बाद डेवलपमेंट का काम इतना स्लो और कम था कि लोगों ने मायूस होने के बाद उन्होंने अपनी पेमेंट ही नहीं भरी। आज एमडीए ने अचानक पता चला कि पब्लिक नोटिस दे दिया जंगाबार में कि हमने सबको कैंसिल कर दिया। तो ये एक जबरी इख्तलाफ है जिसके ऊपर हमारा इख्तलाफ हुआ कि आपने जो भी करना है आप पहले उसका नोटिस देते, या आप उतनी डेवलपमेंट तो करते, आवाम को इतनी सहूलतें तो देते कि वो कैंसिलेशन पे आता है। आप अंदाजा कीजिए, 79 की गुलिस्तान जौहर गुलशन की स्कीमों के अंदर भी आज तक कोई कैंसिलेशन की कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन एमडीए ने एक नया कानून कर दिया कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले के बजाय उन्होंने अपनी बदमाशी मचाने की कोशिश की। बिल्कुल सर, हमने ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान, ये एमडीए ना समझे कि ये बच्चों का खेल हुआ है या वो चंद लोगों के आसानी के साथ प्लॉट कैंसिल करके खा जाएगा। सरकार, हम इसके बाद प्रेस क्लब जाएंगे, प्रेस क्लब में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर उसके बाद हमने अपनी पूरी एक टीम तश्कील दे दी है, वकला की पूरी टीम तश्कील दे दी है। हमें हाईकोर्ट से शुरू करेंगे और ये गारंटीड है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, प्लॉट खाने नहीं देंगे। ये किसी का शिकार ना रहे इदारा। जो कैंसिल किया है उसको रुकवाने के लिए हम एहतियात करने आए हैं कि ताकि वो गरीब आवाम के जो उन्होंने प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं, जिसमें से बहुत से सेक्टर्स पे कब्जा भी हुआ है। अभी तक एमडीए ने 17 सालों में सेक्टर्स पे से कब्जा खत्म करवाया नहीं है, बुनियादी सहूलियत मौसर की नहीं है, लेकिन कब्जा माफिया देखें बहुत सारे सेक्टर्स पर, जो फेज टू के सेक्टर्स हैं, जैसे डाउन फेज टू स्कीम 45 के, बेशुमार सेक्टर्स पे कब्जे हुए हुए हैं, लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है। 17 साल हो गए, उन्होंने उस कब्जे को खत्म करवाकर उन अलॉटीज को फिजिकल पोजीशन नहीं दिए, लेकिन प्लॉट कैंसिल फौरी तौर पर कर दिए। बल्कि 2019 के जो अलॉटीज हैं उनको तो प्रॉपर अभी तक डॉक्यूमेंटेशन यानी अलॉटमेंट वगैरह का भी काम नहीं हुआ है, और प्लॉट कैंसिल करने का उन्होंने अपना मामला अखबार के इश्तिहार के जरिए जो 12 जुलाई 2023 को जो है शाये किया है, किसी नोटिस के बगैर, किसी एदाफी नोटिस के बगैर उन्होंने कैंसिलेशन का जो अखबार में इश्तिहार दिया है, उस कैंसिलेशन को रुकवाने के लिए हम सब लोग इधर अपनी हकी आवाज के लिए प्रेस क्लब में मौजूद हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके जरिए अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम हाईकोर्ट भी, हमारे पास जो कानून का जो रास्ता है हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, कोई भी रास्ता है, हम इंशाल्लाह ताला उधर तक भी जाएंगे जब तक ये प्लॉटों की कैंसिलेशन रुक नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला।
ये है कि जो है ना ये रियल्टर जो है इन्होंने इतनी मेहनत की है ये तैसा टाउन को आबाद करने की कोशिश की और ये जितने भी रियल्टर हैं ये तमाम सोसाइटीज को आबाद करने के लिए यही मेहनत करते हैं और यही जो है इसकी मार्केटिंग करते हैं। इसकी मार्केटिंग करने के बाद आज तैसा टाउन इस पोजीशन पे पहुंचा है कि इनको इतना फंड मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसके बावजूद जो है ये गरीब आवाम के जो है वो प्लॉटों को कैंसिल करके और जो है वो नए लोगों को ये अलाट करना चाहते हैं। तो भाई इस कैंसिलेशन को हम खत्म कराने के लिए यहाँ पे और ये इसका जो एमडीए जो ज्यादतियां कर रही है इसके लिए हम लोग एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं। इसके लिए जो है ना हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वजीर आजम तक भी जाएंगे, जहां तक हमें जाना हुआ जाएंगे, मगर हम इस मसले को रुकवा के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वजीर आला हाउस अगर हम हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम फिर वजीर आला हाउस जाएंगे, अगर वजीर आला वो हमारी बात नहीं सुनेंगे हम वजीर आजम हाउस जाएंगे, हम इस मसले का हल करवाएंगे क्योंकि हमारी ये मेहनत है। ये रियल्टर जितने भी हैं इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आज ये तैसा टाउन जो है ये खूब अपना माल समेट रहे हैं और खा रहे हैं, मगर ये इनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, ना पानी दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना गैस दे रहे हैं, ना कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं। कह रहे हैं घर पोजीशन दे रहे हैं कि भाई आप घर बनाओ, भाई घर कैसे बनाओ, घर ना पानी ना बिजली ना गैस, घर बनाओ ना सिक्योरिटी, वहाँ तो मुस्तकिल डकैतियां बढ़ती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई। तैसा टाउन के हवाले से कोई मसला है, मैंने उनसे कन्फर्म किया यही सवाल की ये जो नोटिस आया है जिसमें मेरे सवाल आज पेड हैं तो क्या वो फाइल मंसूख हो गई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मंसूख हो गई है। मैं ये सौदे खरीदे हैं यार, ओन में खरीदे हैं और कराची के मशहूर ब्रोकरों से खरीदे, 15-15 लाख ओन दिया है, ये बोलते थे अपनी होगी, अब बताओ हम धक्के खा खा के थक गए। उधर पैरागॉन मार्केटिंग का बदमाश बोलता है ये कैंसिल हो गए, यार कैंसिल हो गए, ये 11 लाख रुपये हम गरीब आदमी हैं, हमने किस तरह जमा करा, देखना भैया ये 11 लाख रुपये ये भर भी चुके हैं और ये पेमेंट इन्होंने 24/5/2023 को हम बैंक में गए, बैंक ने कहा आप Thank you.